तो दोस्तों नमस्ते। तो आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है कि टीआरडी भाई आप इलाइट एंड्रू कैरेक्टर की एबिलिटी बता दो, वो भी तब जब हम लोग स्क्वाड का प्रत्येक मेंबर यानी चार में से चारों बंदा इलाइट एंड्रू कैरेक्टर की एबिलिटी का यूज कर रहे हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि इलाइट एंड्रू फ्री फायर का एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसका आप जितना ज्यादा फ्रेंड यूज कीजिएगा उस कैरेक्टर का पावर उतना ही बढ़ते जाएगा। मतलब एक फ्रेंड अगर इलाइट एंड्रू कैरेक्टर का यूज कर रहा है तो उसका पावर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जब चार फ्रेंड इलाइट एंड्रू कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं तो इसका पावर थोड़ा बढ़ जाता है। तो क्या ये सच में बढ़ता है कि ये सिर्फ लिखा हुआ है? आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इलाइट एंड्रू का मतलब स्क्वाड का प्रत्येक बंदा यूज करेगा तो इसका पावर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मैं आज आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि इलाइट एंड्रू कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है, और अगर स्क्वाड में चारों बंदा इलाइट एंड्रू कैरेक्टर का यूज करता है तो क्या इलाइट एंड्रू कैरेक्टर का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या नहीं बढ़ता है या थोड़ा सा बढ़ता है। मतलब पूरा प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको इलाइट एंड्रू कैरेक्टर की एबिलिटी का पूरा फुल डिटेल्स देने वाला हूं। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इलाइट एंड्रू कैरेक्टर की पूरी एबिलिटी। तो आप लोग स्क्रीन पे गौर से देखिए, यहाँ मैं आपको इलाइट एंड्रू का थोड़ा पावर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए एडम कैरेक्टर के पास 3 लेवल का वेस्ट है और इलाइट एंड्रू कैरेक्टर के पास भी 3 लेवल का वेस्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा पावर देखिए, एडम को जब एक गोली मारे मेटिन 87 से 7-7 का डैमेज दिया, लेकिन यही जब हम लोग इलाइट एंड्रू कैरेक्टर को मारे पहला गोली तो सिर्फ 5-5 का डैमेज दिया, तो फर्क यहाँ कितना 20 डैमेज का। फिर दूसरा गोली में देखिए फिर से कितना का डैमेज हो जाता है, फिर से देखिए कहाँ 10 का डैमेज दिया कहाँ 8 का डैमेज दिया, मतलब फिर से 20 डैमेज का फर्क हो गया। उसके लास्ट गोली में देखिए इसको 15-15 करके डैमेज दिया यानी एक बुलेट में 150 का डैमेज। लेकिन अभी देखिए, अब मैं आपको इलाइट एंड्रू कैरेक्टर पे जब हम तीसरा गोली मारते हैं तो इस बार देखिए कितना का डैमेज देता है। आप गौर से थोड़ा देखिए 12-12 करके 120 का डैमेज यानी कि 30 डैमेज का फर्क। यही है इलाइट एंड्रू कैरेक्टर की एबिलिटी की वो वेस्ट को ज़्यादा मजबूत कर देता है, इसलिए इनिमी जो मारता है वो डैमेज रिड्यूस हो जाता है। और अभी जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है यहाँ पर एक ही बंदा इलाइट एंड्रू कैरेक्टर का यूज कर रहा है, ये तो एक ही इलाइट एंड्रू कैरेक्टर का पावर हुआ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जब स्क्वाड का चारों बंदा मतलब चारों फ्रेंड इलाइट एंड्रू कैरेक्टर का यूज करता है तब इलाइट एंड्रू कितना ज़्यादा पावरफुल होता है ये जानते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल है वो मैं M500 गन से दिखाने वाला हूँ। पहले मैं एडम पे दिखाऊंगा कि M500 कितना कितना डैमेज देता है, फिर इलाइट एंड्रू 1 यानी कि एक जब इलाइट एंड्रू यूज करता है उस पर कितना डैमेज देता है, उसके बाद लास्ट में मैं दिखाऊंगा जब आप स्क्वाड का चार बंदा चार इलाइट एंड्रू कैरेक्टर यूज करते हैं तो आप कितना डैमेज देता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी जल्दी। तो आपको यहाँ पर 3 स्क्रीन देख रहे होंगे, पहले दूसरा और तीसरा। तो पहला स्क्रीन में मैं एडम पे क्या डैमेज पड़ने वाला हूँ है ये दिखाने वाला हूँ, दूसरा स्क्रीन में इलाइट एंड्रू 1 पे क्या डैमेज पड़ने वाला है वो दिखाने वाला हूँ, और लास्ट में जो इलाइट एंड्रू 4 है उस पे क्या डैमेज पड़ने वाला ये दिखाने वाला हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं M500 से डैमेज दिखाना। तो यहाँ पर देखिए तीनों में एक साथ फायर हुआ, जबकि 4 वाला में 10 का डैमेज, 1 वाला में 12 का डैमेज और एडम को तो 15 का डैमेज पड़ा। यहाँ डैमेज में डिफरेंस देख सकते हैं आप, दूसरा गोली में 11, 13 और 17, मतलब आप यहाँ डैमेज में खुद ब खुद डैमेज में डिफरेंस देख सकते हैं 13, 14 और 18, मतलब कि एडम को तो बहुत ज़्यादा डैमेज ही पड़ रहा है। आप यहाँ देख ही रहे हैं, तो एडम की बात ही छोड़ दीजिए। और जब हम लोग इलाइट एंड्रू कैरेक्टर एक इलाइट एंड्रू कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं तो क्या डैमेज पड़ रहा है बीच में आप देख सकते हैं, लेकिन उससे सबसे कम डैमेज जो है ना जब हम लोग इलाइट एंड्रू 4 का यूज कर रहे हैं, मतलब 4 इलाइट एंड्रू कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं लास्ट वाले स्क्रीन में यानी तीसरे स्क्रीन में, वहाँ सबसे कम डैमेज पड़ रहा है आप देख रहे हैं। मतलब कि जब एक ही स्क्वाड में चार बंदा इलाइट एंड्रू कैरेक्टर का यूज करता है तो सच में इलाइट एंड्रू का पावर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बढ़ता है, बहुत हद तक बढ़ता है। 2 डैमेज रिड्यूस करना मतलब बहुत बड़ी बात है, वो भी M500 का 2 डैमेज रिड्यूस कर देता है, 2 कम डैमेज पड़ रहा है यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ देख लीजिए लगभग में दोनों ही इनिमी 11 में डाउन हुआ, लेकिन यहाँ 2 डैमेज कम पड़ रहा था जब हम लोग इलाइट एंड्रू 4 का यूज कर रहे थे। तो मतलब कि सही में वर्क करता है। अगर आप लोग भी 4 इलाइट एंड्रू कैरेक्टर का यूज एक साथ कीजिएगा, मतलब एक स्क्वाड में प्रत्येक भी मेंबर 4 इलाइट एंड्रू कैरेक्टर का यूज कीजिएगा तो इलाइट एंड्रू कैरेक्टर का पावर सच में बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बढ़ जाता है, तो ये मतलब रियल है।
तो अगर आपको ये प्रैक्टिकल वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को जरूर जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का अच्छा अच्छा वीडियो आपको देखने के लिए मिलता रहता है। तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें।